दोस्तों सबसे पहले एक बात आप मुझे बताओ, दोस्तों जब से आप लोग पैदा हुए हो एंड जब से स्मार्टफोन वगैरह इंटरनेट वगैरह आप लोग यूज कर रहे हो, सो तब से लेके अब तक दोस्तों क्या आपने गूगल को छोड़ के या फिर एक दो और सर्च इंजन आती है जैसे कि याहो हो गया एंड या फिर यूसी ब्राउजर, जो कि यूसी ब्राउजर अभी इंडिया में नहीं रहा, तो ये दो तीन सर्च इंजन को छोड़ के क्या आपने अभी तक कोई दूसरा सर्च इंजन ट्राई किया है? नहीं ना, बोर हो गए हो काफी, एंड मैं भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका हूँ। एंड एक और पॉइंट है दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का, वो है दोस्तों हमारे प्राइवेसी को लेके। बिकॉज आपको दोस्तों पता ही होगा, आप लोग बहुत सारे न्यूज वगैरह सुनते ही होंगे, गूगल जो है हमारे डाटा को, हमारे जो भी एक्टिविटी है उस सारे को स्टोर करती है एंड बहुत जगह बेचती है, जैसे कि ई कॉमर्स साइट वाले को होती है उनको बेचती है एंड वहां से उस अकॉर्डिंग हमें ऐड दिखा जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो भी प्राइवेसी है वो दोस्तों खतरे पे आती है। तो ये भी एक पॉइंट है दोस्तों, मेजर पॉइंट है आज के वीडियो बनाने में। सो आज के इस वीडियो में मैं आया हूं दोस्तों गूगल का 5 अल्टरनेटिव्स लेके, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं गूगल से भी बेहतर है, चाहे बात करो तो प्राइवेसी की या फिर एक्टिविटीज स्टोर करने की, हमारे डाटा स्टोर करने की एंड और भी बहुत सारे चीज़ हैं। उस सारे पॉइंट्स को देखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो आज के इस वीडियो में मैं आपको वेब ब्राउजर्स वगैरह बताने वाला हूँ दोस्तों गूगल से भी बेहतर है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, सीधा आपको वीडियो पे ही ले चलता हूँ एंड दिखा देता हूँ दोस्तों कौन कौन सा ये वेब ब्राउजर्स है एंड आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हो। तो चले करते हैं दोस्तों वीडियो को फटाक से स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला एक सर्च इंजन निकल के आती है दोस्तों, अगर आप उस टाइप्स की वीडियो, आप समझ रहे हो दोस्तों मैं किस टाइप्स की वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों अगर आप उस टाइप्स की वीडियो को गूगल पे सर्च करते हो दोस्तों आपको पता ही होगा गूगल जो हमारे हिस्ट्री वगैरह, हमारे जो भी डाटा वगैरह है उसे स्टोर करती है एंड बाद में उसे दूसरे जगह दोस्तों उसे सेल करती है। नहीं, मैं नॉर्मली बात करता हूँ दोस्तों, ये जो चीज़ है एडल्ट फिल्म्स हो गए या फिर दोस्तों पोर्नोग्राफी हो गए, दोस्तों हर कोई देखता है, मैं भी देखता हूँ, हमारे जो एज ग्रुप के हैं, मैं हो गए, आप हो गए या फिर इस तरह के जो हमारे एज ग्रुप के हैं, ये सभी देखते हैं, ये अलग मैटर हो गया। बट मैटर यहाँ पे ये है कि हमारे डाटा को दोस्तों विदाउट हमारे परमिशन के तरह तरह जगह यहाँ पे दिया जाता है, तरह तरह जगह पे बेचा जाता है, मेन पॉइंट ये है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप अपने प्राइवेसी को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सर्न हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, जो कि हर कोई है, मैं भी हूँ, आप भी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये जो मैटर है ये प्राइवेसी का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। तो डेफिनेटली दोस्तों अभी जो मैं आपको एक सर्च इंजन बताने वाला हूँ उसे आप डेफिनेटली दोस्तों यूज करना सर्चिंग के लिए या फिर मैनली इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप जरूर से जरूर इस सर्च इंजन को यूज करना। इसका नाम है दोस्तों डकडकगो एंड इसका जो मेन हाईलाइट पॉइंट है क्या जानते हो दोस्तों, ये जो हमारे डाटा है, हमारे जो भी मैं सर्च करता हूँ उस चीज़ को कहीं भी सेव नहीं करता, जैसे केस हो गया, रिसेंट हो गया, एक्टिविटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस तरह के जो तरह तरह के फाइल्स होते हैं कहीं पे भी हमारे जो भी हिस्ट्री वगैरह को सेव नहीं किया जाता है। बहुत ही मस्त ये दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में, दोस्तों प्राइवेसी के मामले में बहुत ही मस्त यहाँ पे ये सर्च इंजन है। डेफिनेटली दोस्तों आप एक बार आप इसे चेक करके देखना एंड मैं भी दोस्तों इसे पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड आप भी दोस्तों जरूर इसे यूज करना अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सर्न हो अपने यहाँ पे प्राइवेसी के लिए। एंड लिंक भी दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर नॉर्मली आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी दोस्तों इसे आप डाउनलोड कर सकते हो एंड इसे यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट दोस्तों हमारे लिस्ट का जो यहाँ पे दूसरा सर्च इंजन है उसका नाम है दोस्तों क्यू मामा। एंड दोस्तों अगर आप स्वदेशी विचार या फिर स्वदेशी अपनाओ इस टाइप्स के आदमी हो तो आपको दोस्तों डेफिनेटली दोस्तों इसे चेकआउट करना चाहिए, इस सर्च इंजन को चेकआउट करना चाहिए। बिकॉज ये जो सर्च इंजन है दोस्तों इंडिया का खुद का सर्च इंजन है एंड दोस्तों ये इंडिया का सबसे पहला सर्च इंजन भी है। तो अगर दोस्तों आप इंडियन हो तो आपको डेफिनेटली दोस्तों इसे चेकआउट करना चाहिए। एंड ऐसे भी दोस्तों जब मैं इसे यूज कर रहा था तो काफ़ी मस्त दोस्तों मुझे लगा, बहुत ही क्लियर इंटरफेस लगा, बहुत इजी टू यूज लगा। एंड सबसे अच्छी बात मुझे यहां पे क्या लगा दोस्तों पता है, जो भी हम इंडियंस हैं उन्हें दोस्तों नॉर्मल जो इंग्लिश होते हैं, दिस इज कैट, दिस इज डॉग, इस टाइप के नॉर्मल इंग्लिश होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों, उन्हें ज़्यादा समझ आती है। तो इसमें जब भी मैं कुछ सर्च कर रहा दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत ही डिसेंट सी यहाँ पे इंग्लिश में, जो भी नॉर्मल इंग्लिश होते हैं उस इंग्लिश में यहाँ पे दोस्तों हमें सारे आंसर्स वगैरह मिल रहा था। तो दोस्तों आपको डेफिनेटली दोस्तों इसे चेकआउट करना चाहिए दोस्तों, अगर आप इंडियन हो तो आप डेफिनेटली दोस्तों इसे चेकआउट करना।
हमारी लिस्ट का यहाँ पे तीसरा सर्च इंजन है दोस्तों, उसका नाम है ब्रेव ब्राउजर। एंड अगर दोस्तों आप गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, किसी भी साइट पे विजिट करते हो, एंड वहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिलता है। किसी कोई भी काम करते हो दोस्तों, वहाँ पे आपको एड वगैरह भर भर के देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर एड से बचना चाहते हो दोस्तों, आपको ब्रेव ब्राउजर को चेकआउट करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आप कुछ भी करो, यहाँ पे कुछ भी सर्च करो, किसी भी वेबसाइट पे विजिट करो, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई तरह का एड भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें जैसे कि प्राइवेसी के मामले में, यहाँ भी दोस्तों आपका डाटा वगैरह बिल्कुल से भी कहीं भी स्टोर नहीं किया जाता है। एंड और भी दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि दोस्तों आपको गूगल पे नहीं देखने को मिलता है। एंड अगर आप बोलोगे, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे दोस्तों, मैं डेफिनेटली यहाँ पे स्पेशली दोस्तों ब्रेव ब्राउजर पे एक वीडियो बना के लाऊंगा। तो डेफिनेटली दोस्तों आप इसे चेकआउट करना, अगर दोस्तों आप ऐड से परेशान हो तो वैसे भी दोस्तों आप एक बार कर लेना। एंड साथ ही यहाँ पे नीचे आपको इस ब्राउजर का भी यहाँ पे दोस्तों आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, सिंपली से यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब लिस्ट का यहाँ पे जो दोस्तों फोर्थ सर्च इंजन निकल के आती है, उसका नाम है दोस्तों स्विसकाओ। एंड दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि इंडिया में किस तरह के दोस्तों महान महान क्रिएटर्स हैं, जैसे कि मिल लीजिए सोफिया अंसारी जी से, एंड इसी तरह के और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि दोस्तों बहुत ही गंदे गंदे कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं, बहुत ही विचित्र विचित्र कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं। तो वैसे भी जनरली दोस्तों अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करो, तो वहाँ पे कुछ आप ब्राउजिंग कर रहे हो, तो उस समय दोस्तों अचानक पॉपअप करके आपके सामने दोस्तों गंदे गंदे फोटोज़ वगैरह आ जाते हैं। तो अगर इस कंडीशन में आपका बच्चा कभी फ़ोन यूज़ कर रहा है, यहाँ पे गूगल वगैरह सर्च कर रहा है, गूगल पे कुछ ब्राउज कर रहा है, कुछ देख रहा है, तो वहाँ पे दोस्तों अगर पॉपअप करके दोस्तों उसके सामने इस तरह के वीडियोज़ फोटोज़ वगैरह आ जाए, तो दोस्तों ये कितना गलत रहेगा। तो अगर दोस्तों इस चीज़ से आप बचाना चाहते हो, अपने बच्चे को खुद भी दोस्तों सिक्योर रखना चाहते हो इस चीज़ से, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आपको स्विसकाओ यहाँ पे ब्राउजर को यूज करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो दोस्तों इस तरह की चीज होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल से फिल्टर कर देता है। यहाँ पे दोस्तों आपको वैसे भी एड्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड स्पेशली दोस्तों इस तरह के जो पोर्नोग्राफी वगैरह, इस तरह के जो वीडियोज वगैरह हो गए, तो ये बिल्कुल से भी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर इस चीज़ से आप बचाना चाहते हो अपने बच्चों को, तो आपको डेफिनेटली दोस्तों इसे चेकआउट करना चाहिए। लिस्ट का फिफ्थ एंड लास्ट जो यहाँ पे सर्च इंजन दोस्तों निकल के आती है, उसका नाम है दोस्तों केक ब्राउजर। एंड इसका जो सबसे एक मेन हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि दोस्तों इस सर्च इंजन में आपको इनबिल्ट यहाँ पे वीपीएन देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मली दोस्तों अगर आपको वीपीएन की ज़रूरत है, वीपीएन लगा के आपको कुछ काम करना है, तो फिर दोस्तों आप प्ले स्टोर पर जाते हो एंड वहाँ पे कोई वीपीएन डाउनलोड करते हो, फिर कनेक्ट करते हो, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, देन दोस्तों आप अपना काम कर पाते हो। बट यहाँ पे दोस्तों आपको इनबिल्ट यहाँ पे वीपीएन देखने को मिलेगा। जस्ट दोस्तों आप वन क्लिक करोगे, आपका वीपीएन एक्टिवेट हो जाएगा एंड आसानी दोस्तों आप जो भी काम करना चाहते हो वो काम कर सकते हो। तो डेफिनेटली दोस्तों इसे भी आप एक बार चेकआउट करके देखना है दोस्तों, नीचे में आपको इसका भी यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा, सिंपली से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एंड साथ ही दोस्तों आई होप कि आज के इस वीडियो में जो भी पांच अल्टरनेटिव मैंने आपको गूगल का बताया, वो सारे दोस्तों आपको पसंद आई होगी। एंड दोस्तों फ्यूचर में दोस्तों इस सारे अल्टरनेटिव के मदद से आप और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाओगे एंड और भी बहुत सारे काम कर पाओगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों आई होप कि ये वीडियो भी दोस्तों आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर सच में पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल से भी मत भूलना। एंड अगर इस चैनल पे आप इस तरह के और भी कंटेंट देखना चाहते हो फ्यूचर में भी, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिला है, उसे दबाना बिल्कुल से भी मत भूलना। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स खाली है, जल्दी से जाके वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, डेफिनेटली दोस्तों मैं उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। इस तरह के वीडियो के साथ दोस्तों मिलते हो नेक्स्ट टाइम।